नमस्कार सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारत इन्फोटेक में। हम जहां से प्रोवाइड कराते हैं आपको हर एग्जाम संबंधी जानकारी सबसे पहले और सटीक रूप से। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने कल भी एक खबर निकली थी बड़ी डीडी स्टार नितिन भास्कर ग्वालियर की, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि वर्ग 3 की वैकेंसी जल्दी ही आएंगी, लेकिन उस खबर में मैंने कुछ खास बातें जो छोड़ दी थी वो आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा, जिसमें चार ऑप्शन है, परीक्षा तिथि क्या रहेगी, योग्यता क्या, आयु सीमा, वेतन, ये सभी बातें जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करूंगा और उसकी न्यूज़ की कुछ खास बातें तो आपको बताना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक जो खबर यहाँ पे आई थी डीडी स्टार की, जिसके अंदर पदों की बात की जाए तो यहाँ आप देखोगे कि 10 यहाँ पर जो है बताए गए हैं कि लगभग जो है 30,000 माध्यमिक शिक्षक और यहाँ पर जो है 39,000 अधिक पद जो है संसाधन की कमी के चलते सरकार एक साथ हिचक रही थी। मतलब यहाँ पर 10,000 बड़े पदों की बात की गई है कि 10,000 से ज़्यादा पद यहाँ पर नई भर्ती होगी शिक्षक भर्ती वर्ग एक में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि कॉम्पिटिशन से भी आपको अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि यहाँ देखिए 8 या 10 वर्ष लगभग हो चुके हैं इस परीक्षा को, 2011 में हुई थी, 2019 चल रहा है, 8 वर्ष के उपरांत ये परीक्षा हो रही है। तो 10 लाख आवेदक कर रहे थे इस परीक्षा की तैयारी कहीं ना कहीं, तो ये जो कॉम्पिटिशन की स्थिति है बहुत ज़्यादा विकट बनी वाली है। साथ ही साथ वर्ग एक और वर्ग दो के लिए भी खुशखबरी की बात यहां पर सामने आ रही है। देख पाएंगे आप यहां पर कि मध्य प्रदेश में 1,75,015,503 सरकारी स्कूल है, इसमें से 81,335 प्राथमिक और 308 माध्यमिक है, 3,863 हाई स्कूल है। तो इसमें उच्चतर माध्यमिक शिक्षक वर्ग में 30,000 पद खाली हैं और माध्यमिक में 22,000। तो इससे ये फायदा है कि अभी जो पदों में वृद्धि के लिए लगातार मांग चल रही है पूरे प्रदेश में, जिसके अंतर्गत कट ऑफ कम बनेगा और सभी को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा, तो उसके लिए बड़ी खुशखबरी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो पदों की संख्या बताई गई है इसमें खाली है वास्तव में, और ये पदों में वृद्धि जरूर होगी दोस्तों। इसके लिए बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसने भी बताया है। और साथ ही साथ यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक जी का क्या कहना है इस परीक्षा को लेकर, तिथि क्या रहेगी। तो देखिए स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षक परीक्षा के उपरांत ही हाल में ही यह पत्र प्राप्त हुआ है और रूल बुक को मिलते ही हम मॉक परीक्षा की तैयारी शुरू कर देंगे। परीक्षा का आयोजन आचार संहिता के बाद ही किया जाएगा। तो मान लीजिए जुलाई जून के संबंध आपका जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, और वास्तव में आप बिल्कुल भ्रमित ना हो किसी भी बाहरी जानकारी से, ये परीक्षा बिल्कुल आपकी नियोजित रूप से और आयोजित रूप से किया जाएगा। कारण क्या रहा है 2018 में ना आने का, क्योंकि यहाँ पर प्रति बार पूरी सरकार पे आ चुका था, तो उन्होंने सोचा उचित ना रहेगा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा यहाँ पर कि जो शिक्षक भर्ती वर्ग 3 यदि वो साथ में लेते तो कहीं ना कहीं जो प्रभाव पड़ता सरकार की वित्तीय भार पड़ता, इसलिए नहीं लिया गया। साथ ही साथ वेतन की बात की जाए यहाँ पर, तो जो पद बता रहे हैं वो 17,000 और वेतन जो रहेगा 25,000 प्लस भत्ता आपको यहाँ पर मिलने वाला है वर्ग 3 के अंतर्गत दोस्तों। तो बिल्कुल तैयारी में आप जुड़ जाइए, किसी भी प्रकार की यदि कोई सब्जेक्ट में आपको कमी रहती है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ हम सिलेबस की एक अच्छी तैयारी कराने के बाद सिलेबस का मैं पूरा वीडियो आपके लिए एक सेपरेट बना दूंगा, तो उसके माध्यम से आप जान पाएंगे किस तरीके से एग्जाम होते हैं। और लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था 2011 का, उसका कट ऑफ, लास्ट ईयर का एग्जाम मैं आपको जरूर बताऊंगा इस वीडियो में। बताएं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।